नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड के द्वारा आज एक नई खुशखबरी आप सभी को दी गई है। बहुत सारे मित्रगण वेट कर रहे थे कि होली की क्या होनी चाहिए खुशखबरी, तो वो चीजें आ रही हैं। अभी तक जैसे उत्तर प्रदेश एसआई के बारे में तो स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी बोर्ड के द्वारा, लेकिन अभी अभी जो आपका आज विज्ञापन जारी हुआ है, इसके द्वारा उत्तर प्रदेश जो पुलिस बोर्ड है उसमें एएसआई की वैकेंसी, जिसके लिए बहुत सारे मित्रगण प्रतीक्षारत थे, वह भी बोर्ड के द्वारा स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। यानी जो उत्तर प्रदेश पुलिस में एएसआई की वैकेंसी होती है उसका आज नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके माध्यम से बोर्ड ने आपको स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अब आप सभी अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए लग जाएं। इससे पहले भी हमने, चूंकि यह विज्ञप्ति पहले भी आई थी, तो उसके लिए कोर्स हमने संचालित किया था, निःशुल्क कोर्स। आप में से बहुत सारे छात्रों ने पढ़ भी रखा है, उनकी तैयारी भी उस समय हमने कराई थी। अभी ये जो आया है, ये ये एएसआई का पद है, आपको ये जरूर ध्यान रखना है। एएसआई आपका इससे पहले जारी हो चुका है। एएसआई और एएसआई दोनों अलग अलग होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये एएसआई का पद है, ठीक है। पुलिस उपनिरीक्षक इसको भी बोलते हैं जैसे एएसआई, लेकिन इसमें आपके डिपार्टमेंट अलग होते हैं। कॉन्फिडेंशियल यानी गोपनीय विभाग में लिपिक यानी क्लर्क, ठीक है। मतलब ये फील्ड जॉब आपकी नहीं है, ऑफिशियल जॉब वाली है, इसीलिए इसको ध्यान रखना है। जो लोग बाहर जो है नहीं जो है जॉब करना चाह रहे हैं, अपने ऑफिस में बैठकर करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये होती है एएसआई, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं योग्यता क्या होती है। देखो अभी तो ये जारी हो गया है, मार्च में आपका विज्ञापन आ गया, होली का ऑफर हो गया, लेकिन इसमें अगर देखा जाए कि कब से शुरू होगा फॉर्म भरना, सारी चीजें कैसे होंगी, सबसे पहले देख लेते हैं पद कितने हैं। तो देखो भैया, जो गोपनीय है समूह गा की वैकेंसी है ग्रुप सी वाली, इसमें तीन चार आपके विभाग है जिसमें ये एएसआई की वैकेंसी आती है। तो जो आपका उत्तर पुलिस उप निरीक्षक कॉन्फिडेंशियल यानी गोपनीय में है, ठीक है, इसमें 295 पद हैं आपके, और जो है अधियाई अभी हो चुके 295, 32 पड़े हुए हैं पेंडिंग। मतलब ये सारे के सारे 624 आपके लिपिक वाले में है, मतलब जो क्लर्क होते हैं, जो लोग चालान वगैरह पेमेंट आप लोग किए होंगे, ठीक है, तो जो लोग लेते हैं पैसा वो सारे लोग, 20 अभी भी इसमें पड़े हुए हैं। मतलब बहुत सारे इसमें पद हैं, अच्छे खासे पद आए हैं, 1277 कुल पद आए हैं, 52 अभी पेंडिंग में है। तो ये भी जहां तक है इसमें जोड़ना ही जोड़ना है। ये जो है ये अधियाचन इनका मिल चुका है और ये प्रस्ताव भेजे गए हैं, इसीलिए थोड़ा सा इसमें डिले भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। अनारक्षित के इसमें अगर देखा जाए गोपनीय, जो इसमें तीन आपके अलग अलग विभाग होते हैं, तीनों में अलग अलग इसमें पूरी आप प्रेफरेंस चूज कर सकते हैं, किसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं, किससे हैं, 121, वो सारी चीजें डिटेल आपको मिल चुकी होंगी, ठीक है। अगर आपने देखा होगा कि 295 पदों में जो कॉन्फिडेंशियल वाला विभाग है, इसमें कितने कितने पद किस किस आपके कैटेगरी में है वो दिया हुआ है। जो लिपिक है यानी क्लर्क वाली जो पोस्ट है आपकी एएसआई वाले में, इसमें सबके लिए जो 624 पद है इनमें पूरा अलग अलग दिया है किसके लिए कितना। अच्छी खासी वैकेंसी, क्योंकि इससे पहले जब आई थी इतनी इससे कम वैकेंसी आई थी, लेकिन वो आपकी पूरी नहीं हो पाई थी, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइपिंग वगैरह रहता है, बहुत सारे लोग निकल जाते, तो जो लोग इनके लिए योग्य है भैया वो लोग लग जाए बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। पदों की संख्या ठीक ठाक है, 2% आरक्षण आपके स्वतंत्रता सेनानियों को दी गई है। आइए इन पर बात करते हैं कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इसमें कौन कौन आपका एलिजिबल है। तो देखिए, जो पंजीकरण इसका शुरू होना 1/5 से शुरू होगा, अभी मार्च चल रहा है आपका, ठीक है, तीसरा महीना चल रहा है आपका 1/5, मतलब एक महीना आपके पास समय हो गया। होली आ गई तो आप लोगों के पास भी जानते हो, मतलब अब आंख आपकी अप्रैल में ही खुलनी है। 1/5 से मतलब आप तैयारी शुरू करिए, 31 तक डेट है, तो वो सारी चीजें चलनी है। ₹400 फी है। इसमें अगर देखा जाए क्या क्या अहर्ता है, सबसे बड़ी बात यही है, तो भैया सारे लोग जानते हो, ठीक है, सबसे पहली चीज तो भारतीय आप होने ही होने चाहिए, ये तो जरूरी ही जरूरी है। उसके बाद अन्य चीजों में और देखा जाए कि क्या क्या चाहिए, तो अगर आप गोपनीय पद से जो है अप्लाई करना चाह रहे हैं एएसआई में, तो ध्यान दीजिए कि आप स्नातक हो, ठीक है, आप क्या होने चाहिए, स्नातक यानी ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से। और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए भैया, आपके पास अगर आप गोपनीय वाले पद के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 25 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए हिंदी टंकड़ पर, ठीक है, कीबोर्ड पर देखा जाएगा, यूनिकोड में यानी मंगल फॉन्ट पर एक तरीके से, या रिंगवेंटम बेल जो भी आती है, कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी, मतलब हिंदी 25 होना चाहिए, अंग्रेजी 30 होनी चाहिए। ये आपके कॉन्फिडेंशियल के लिए योग्यता है, किसी भी स्ट्रीम से हो, ठीक है, ग्रेजुएट हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं।
दूसरी चीज इसमें और क्या मांगा है, न्यूनतम 80 वर्ड पर मिनट की गति से आशुलिपिक श्रुति लेख आना चाहिए, मतलब स्टेनो की टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए अगर आप गोपनीय में अप्लाई करना चाहते हैं तो, इसको ध्यान रखिए, इसीलिए इसमें बहुत सारे लोग चढ़ जाते हैं। दूसरी चीज, भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नीलेट सोसाइटी द्वारा, ठीक है, पूर्व में इसको डोएक के नाम से जानते थे, ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करना या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई धारिता अगर आप रखते हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंशियल में किसी भी स्ट्रीम से हो, ओ लेवल होना चाहिए, टाइपिंग होनी चाहिए और आपको क्या आनी चाहिए, स्टेनोग्राफी आनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो लिपिक पद है, लिपिक पद के लिए भी वही विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होनी चाहिए, 25 वर्ड आपको हिंदी में टाइपिंग है और 30 वर्ड आपको इंग्लिश में है और साथ ही साथ इसमें भी ओ लेवल आपको उत्तीर्ण करना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेखा पद के लिए देखा जाए तो भैया आप स्नातक रहे, वाणिज्य में मतलब आप बीकॉम किए हैं या फिर लेखा शास्त्र में परास्नातक है, डिप्लोमा है या कुछ भी है और कम से कम 15 वर्ड पर मिनट की गति से आपको टाइपिंग आ रही है और साथ ही साथ ओ लेवल, मतलब तीनों परीक्षाओं में ओ लेवल जो लोग किए हैं वही इसमें आहरी होंगे, आपको सीधा स्पष्ट इसने बता दिया है, ठीक है। ओ लेवल वाले जो मित्रगण हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। अधिमानी आहरिता इन सब का मतलब बाद में आता है, जब आप कुछ कर ले जाओगे वहां सेलेक्ट होकर पहुंच जाओगे। आयु की बात करें भैया तो आपको 1 जुलाई 2021 से आयु गणना हो रही है, मतलब इसमें भी कोरोना वगैरह कुछ छूट छाट नहीं दी गई है। आप 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, और अधिकतम आयु आपकी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 28 वर्ष होनी चाहिए। 21 से 28 आपकी किसकी है, जनरल आयु वर्ग की है, अगर आप 1 जुलाई 2021 से एज की काउंटिंग होगी, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी जिनके लिए है अनुसूचित जाति जनजाति, ठीक है, इन सारे लोगों के लिए जितनी और में चलती है उतनी ही चलेगी। जो ओबीसी है, ठीक है, एससी है, एससी को 5 साल की छूट है, अनुसूचित जनजाति एसटी को भी 5 साल है, ओबीसी को 5 साल की छूट है, भूतपूर्व सैनिक को 3 साल और राज्य के कर्मचारी जो उत्तर प्रदेश के हैं इनको 5 साल की छूट है। ये इस अनुसार इनकी पूरी छूट चलती है, ठीक है। और चीजें अगर देखी जाए कि इसमें क्या कैसे होना चाहिए, क्या क्या आपसे पूछेगा, तो हाइट वगैरह इसमें भी वही चीजें चलती हैं। देखो इसमें जो 400 आपके अंग की परीक्षा आनी है, इसको लेकर के हमने तब भी आपका जो है कोर्स चलाया था, निःशुल्क चलाया था, पूरी चीजें पढ़ाई थी। अब भी कोर्स का लॉन्चिंग हो चुका है आज से ही, इस समय होली का महा ऑफर चल रहा, तो कोर्स 899 रुपए का कोर्स है, 55% ऑफ चल रहा, मतलब 400 रुपए में आपका कोर्स पड़ेगा। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं मित्रगण, वो लोग फटाफट परीक्षा प्लस ऐप से डाउनलोड करके हमसे जुड़ सकते हो। 100 अंग की भैया आपको सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान आना है, ठीक है, सामान्य जानकारी सामायिक जो है विषय यानी करंट के 100 अंक, मतलब 40 प्रश्न इसके, 40 इसके आएंगे। अब जिसमें 2 विषय कॉमन है इसमें 20-20 कर देता है, ठीक है, जैसे इसमें 20 हिंदी हो गया, 20 कंप्यूटर हो गया। इसमें जो क्लासेज आपको हम लोग उपलब्ध कराएंगे, क्लासेज जैसे कंप्यूटर वगैरह की जो कॉन्सेप्चुअल है, जहां आपको ज्यादा अच्छे से समझना चाहिए, वो क्लासेज हम आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में देंगे और अधिकतर क्लासेज आपको लाइव मिलेंगे। लगभग जो है हमारा प्रयास होता है कि 70 से 80% क्लासेज आपको लाइव दें जो आपके प्रैक्टिस के लिए मायने रखती हैं, और कुछ क्लासेज हम आपको जो ज्यादा आपके समझने के लिए, चूंकि इसमें कंप्यूटर वगैरह का सिलेबस अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा स्तर है, तो उनको हम आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध कराएंगे, पूरा मटेरियल देंगे। मटेरियल आप जहां रहते हैं वहां से प्रिंटआउट ले सकते हैं। जैसे एसआई में क्या होता है, ओवरऑल जो आपका मतलब कट ऑफ निकाली जाती है उसमें 50% ओवरऑल लाना है, इसमें छूट होती है। इसमें क्या करना है, लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% अंक लाना है, हर एक विषय में, ये जो 4 विषय दिख रहे हैं सभी में 35% अंक लाओ और कुल 40% ओवरऑल जितना है, मतलब 400 जो आपका अंक है इसमें से 160 अंक आपको न्यूनतम लाना है, तब आप भैया मेरिट में जो है कंसीडर किए जाओगे। अगर इतना नहीं लाए तो मेरिट में नहीं होगे। एक ही आपके पाली में होना है, बाकी सारी चीजें वही है, ठीक है। जो कुछ और भी इसमें जैसे मानक शारीरिक मानक स्तर, वो सारी चीजें इसमें 163 चलती हैं, हाइट वगैरह, ओबीसी और आपकी एससी जातियों के लिए और जनरल के लिए सभी के लिए 163 सेंटीमीटर हाइट होती है, ठीक है, और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 158 होती है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें यही सब फायदा है, 77 सेंटीमीटर सीना बिना फुलाए 82 होना चाहिए, 5 फुलाव सभी में मांगता है, ठीक है। महिला अभ्यर्थियों के लिए देखा जाए 150 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है, और जो एसटी हैं ऐसी जो है महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए 40 किलोग्राम न्यूनतम वेट चाहिए। ये सारी चीजें चलती हैं, इनको लेकर के टीम के द्वारा बैच चलाया जा रहा, इससे पहले भी हमने एक बैच चलाकर समाप्त किया था जिसमें सारी चीजें आपको दी गई थी,
ठीक है, इस बार भी फिर से जब आपके एसआई का कोर्स लॉन्च किया था तो आप लोग लगातार पूछ रहे थे हम लोगों का क्या होगा सर, तो उसको देखते हुए हमने तुरंत ही जैसे ही यह विज्ञापन आया है, मैंने तब भी कहा था कि जैसे विज्ञापन आपका आता है कोर्स हम आपके लिए तुरंत शुरू करेंगे, तो कोर्स आपका शुरू हो चुका है। ठीक है, आज से ही कोर्स आपका प्रारंभ है, आपको एडमिशन लेना है। परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करिए, ऐप गूगल प्ले स्टोर पर है, रजिस्टर करिए, सीधा ऑनलाइन कोर्स में जाकर यूपीएसआई का बैच चुनिए, वहीं से सीधा पेमेंट करिए, अप्लाई कूपन करते वक्त डाल दीजिएगा। ठीक है, जब आप अप्लाई बाय नाउ करिएगा तो बाय नाउ में आपको क्या करना है, बाय नाउ में आप कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा, नीचे भी आपका दिख रहा होगा। ठीक है, प्लस 55 आप डालेंगे तो आपको 55% की छूट मिल जाएगी। कितने परसेंट? 55%। और ये केवल आपका होली तक का ऑफर है, जो मित्र वगैरह हैं सभी को बता दो कि भैया 899 रुपए का कोर्स है और 55% छूट मिल रहा, 405 रुपए। अब 405 रुपए में कौन कोर्स होगा, इसमें टेस्ट सीरीज भी है, मटेरियल भी है, सब कुछ तो हम तुम्हें दे रहे हैं। ठीक है, इसमें आपका टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है, मटेरियल भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, जो कुछ नोट्स होगा वो मिलेंगी, क्लासेज आपको अच्छी खासी क्लासेज होती है, इससे पहले आप लोग देख चुके हो। ठीक है, परीक्षा प्लस में क्या गुणवत्ता होती है, आपको सभी की नोट्स भी उपलब्ध कराई जाती है। अगर आपको कोई असुविधा हो रही है तो आप सबसे पहले तो आपको हमारा जो है ऐप है, ये गूगल प्ले स्टोर पर है, वहां से डाउनलोड करिए। मान लीजिए कोई और बातचीत करनी है तो ये नंबर आपके सामने दिख रहे हैं, इनमें से किसी नंबर पर आप कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। अपने दोस्तों को या वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, यानी अगर वो आपके जैसे देख रहे हो आप लोग भी कि बहुत सारे संस्थान शुरू कर देंगे, हमने निःशुल्क उस बार भी चलाया था, अब 400 रुपए में क्या इससे बड़ी चीजें और क्या हो, यह निःशुल्क ही है, लेकिन अब इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ और चीजें होती हैं, तो इस वजह से 400 रुपए भी रखी गई है। सभी का भाई बहुत बहुत धन्यवाद, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। ठीक है, पुनः मुलाकात आपके बैच के शुरुआत में होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।